दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा अल्ट्रा सिम का 14 इंच का टीवी है, इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं। जो मैं टीवी को पावर दिया, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जला, और पावर इंडिकेटर जलने के बाद दोस्तों देखिए हमारा टीवी स्क्रीन पे पिक्चर भी आ जाता है, लेकिन पिक्चर हमारा कैसे है वो चेक करेंगे। सैमसंग टीवी थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्टिंग करने के लिए, और देखिए हमारा पिक्चर ऐसे वाला पिक्चर आ रहा है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है ये वाला प्रॉब्लम है, जो हमारा हाफ पिक्चर है और हाफ पिक्चर हमारा रिट्रेस आके कुछ लाइन आ रहा है और हमारा पिक्चर सही नहीं आ रहा है। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास सैमसंग कंपनी का एक अल्ट्रा स्लिम टीवी आया है, 14 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारे वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक करेंगे। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर दिया, और पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद जो हमारा ब्लिंकिंग होना चाहिए ब्लिंकिंग हो रहा है, और ब्लिंकिंग होने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर कैसे आ रहा है वो चेक करेंगे। दोस्तों हमारे जो टीवी का पिक्चर है वो हमारा फुल पिक्चर नहीं आ रहा है, ये देखिए हमारा फुल पिक्चर नहीं है। और हमारा जो नीचे साइड का पिक्चर है देखिए हमारा सही है, लेकिन ऊपर साइड का जो पिक्चर है वो पिक्चर हमारा बैंड हो गया है और कुछ लाइन आ रहा है। और हमारा जो पिक्चर ऊपर वाला जो पिक्चर है वो हमारा शॉर्टेज होके एक थोड़ा सा एक लाइन आ गया है, और जो ए भी लिखा है और ए भी लिखा भी हमारा पलट गया है। देखिए ये पिक्चर क्या होता है, हमारा ऊपर साइड का पिक्चर मुड़ के छोटा हो गया है और पिक्चर हमारा फुल नहीं आ रहा है। इसीलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ क्या, क्योंकि आप लोगों को काम करना आसान हो जाएगा, और इसीलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, पहले टीवी को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद देखूँगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। और ये दोस्तों ये तो हमारा वर्टिकल सेक्शन का ही प्रॉब्लम है, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम है वर्टिकल सेक्शन का वही दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट तक देखते रहिए, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा अल्ट्रा सिम का 14 इंच का ट्यूब है, ये योक कॉइल, ये रहा हमारा बेस पीसीबी, और ये रहा आज का मेन पीसीबी जो हमारा सैमसंग का मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है हमारा आज का मेन पीसीबी का ही प्रॉब्लम है। ये जो हमारा वर्टिकल सेक्शन होता है, वर्टिकल सेक्शन का जो ये देखिए वर्टिकल आईसी लगाया हुआ है, जो LA78045 का ये हमारा वर्टिकल आईसी लगाया हुआ है। ये जो वर्टिकल आईसी का सेक्शन होता है ये हमारा वर्टिकल सेक्शन होता है, और वर्टिकल आईसी का जो वोल्टेज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा, या हमारा जो मेन प्रोसेसर रहता है वो मेन प्रोसेसर से जो सेंस आता है वो भी प्रॉब्लम होता है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करना ज़रूरी होता है। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक करके सभी वोल्टेज को चेक कर लेंगे। जैसे पहले पावर सेक्शन का वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा ESD सेक्शन से जो वोल्टेज आता है हमारा वर्टिकल आईसी को रन करने के लिए, वो सेक्शन का वोल्टेज चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा जो सेंस आता है वो सेंस सही तरीके से आता है कि नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को पावर दे देते हैं। पावर दे दिया और पावर इंडिकेटर ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद एक एक करके सभी वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए इस पर हमारा ESD को जो सप्लाई दिया जाता है ये हमारा 120 वोल्ट होता है। देखिए इस पे 120 वोल्ट लिखा हुआ है, इस पे देखेंगे 120 वोल्ट आता है कि नहीं, 119 वोल्ट आ रहा है, मतलब सही है। उसके बाद और एक वोल्टेज देखेंगे जो हमारा सिस्टम पे, इस पे हमारा 12 वोल्ट का पॉइंट पे देखेंगे, ये 12 वोल्ट पे 10.8 आ रहा है, ये भी सही है। वो थोड़ा सा थोड़ा बहुत वोल्टेज फर्क है, वो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखेंगे और एक वोल्टेज जो ये वाला कॉइल देखिए, इस पे 14 वोल्ट आना चाहिए, ये देखिए 13 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये भी सही है। उसके बाद और एक वोल्टेज चेक करेंगे कहाँ पे, जो हमारा 6.5 वोल्ट, वो देखिए 5.8 बता रहा है, ये भी सही है, वो काम कर जाएगा। उसके बाद ये तो आ गया हमारा पावर सेक्शन का वोल्टेज, लेकिन उसके बाद ESD रन होने के बाद, ESD रन हो रहा है नहीं तो लाइट नहीं आता, ESD रन होने के बाद कुछ वोल्टेज तैयार होता है। जैसे इस पे देखिए 200 वोल्ट, इस पे 16.5 प्लस पे और माइनस पे 16.5, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज। पहले तो हमें 200 वोल्ट का जो डायोड है डायोड पे चेक कर लेते हैं। 200 डायोड पे चेक करेंगे, इस पे 183 बता रहा है, ये भी सही है, 120 होगा तो वो भी पिक्चर आ जाएगा।
उसके बाद देखेंगे ये हमारा माइनस का वोल्टेज होता है, जो वर्टिकल का 16.5 का माइनस वोल्टेज, ये देखिए 14.2 बता रहा है, ये भी रन कर जाएगा। उसके बाद मैं पॉजिटिव वाला वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे ए वाला पॉइंट पे देखिए ये डायल लगाया हुआ है और ये आया 16.5 का लिए, इस पे देखिए 15.6, ये भी 16.5 का वोल्टेज सही तरीके से आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा पावर सेक्शन का वोल्टेज सही हो गया है, सही है, और हमारा ESC सेक्शन से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो भी सही है। उसके बाद देखेंगे हमारा वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन पे कुछ वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे हमारा वर्टिकल IC, ये वर्टिकल IC पे एक हमारा पॉजिटिव वोल्टेज आता है, एक नेगेटिव वोल्टेज आता है। जो पॉजिटिव वोल्टेज आता है, ये जो तीन लेग दिख रहा है 1, 2, 3, इस पे पहले नंबर जो है वो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज होता है, देखिए 15.2। उसके बाद होता है हमारा नेगेटिव वोल्टेज, जो माइनस वोल्टेज कहा जाता है, इस पे चेक करेंगे, ये देखिए 14 वोल्ट, -14 वोल्ट, ये भी हमारा माइनस वोल्टेज आ गया है। और दूसरा हमारा देखिए एक डायोड देखिए, डायोड देने के बाद इस पे थ्रो किया गया है, जो स्विच किया गया है वोल्टेज को, इस पे देखिए -7 वोल्ट आ रहा है। इसीलिए ही हमारा इस पे वोल्टेज नहीं है, मतलब हमारा वर्टिकल IC काम नहीं करेगा। एक सेक्शन पे हमारा वोल्टेज है, इसी तरह इसीलिए नीचे साइड का पिक्चर सही है। ये देखिए इस पे हमारा वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारा जो नीचे साइड का पिक्चर है वो हमारा सही आ रहा है, लेकिन इस साइड पे जो हमारा पिक्चर वोल्टेज आना चाहिए था, इसीलिए ही आप साइड का पिक्चर नहीं है, इसीलिए पिक्चर मुड़ गया है। ठीक है दोस्तों, क्यों वोल्टेज नहीं आ रहा है? एक तो हमारा डायोड खराब हो सकता है, दूसरा क्या होता है, हमारा जो वर्टिकल IC वो शॉर्टेज हो जाएगा, तो ये ग्राउंड के साथ हमारा तो ये वाला वोल्टेज नहीं आएगा। इसीलिए क्या करेंगे, पहले तो ये डायोड को ओपन करेंगे, ओपन करके चेक करके नया वाला एक डायोड लगाएंगे। डायोड लगाने के बाद देखेंगे इस पे वोल्टेज पहुंचता है कि नहीं। डायोड लगाने के बाद भी वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तो हमारा ये वाला वर्टिकल IC है वो IC को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले इसको डायोड लगाते हैं, डायोड लगा के चेक करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो डायोड था, डायोड को मैंने इसको सोल्डरिंग को ओपन कर दिया हूँ। ओपन कर देने के बाद एक नया वाला डायोड लिया हूँ, ये डायोड का नंबर है 4007 का डायोड, और जो लगाया था वो 4004 का डायोड था, मैंने 4008 का डायोड लगाया। और डायोड को मैंने क्या किया, इसको ओपन करके इसको ऊपर साइड से ही कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट कर देने के बाद फिर से टीवी को पावर देंगे। देखिए पावर दे दिया, पावर इंडिकेटर हमारा ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद मैं फिर से पावर चेक, जो वोल्टेज है वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे पहले नंबर पे हमारा वोल्टेज होता है हमारा प्लस वाला जो वोल्टेज 15.3, ये 15.3 देखिए ऊपर साइड पे पॉइंट पे है, और हमारा माइनस वाला पॉइंट हमारा मिडिल वाला है, ये देखिए मिडिल वाला -14 दिखा रहा है। और तीसरा वाला जो पिन पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं था, वो वाला सेक्शन पे देखिए हमारा 15.4 आ गया है। जो वोल्टेज हमारा इस साइड होगा उस साइड पे ये वाला भी वोल्टेज होना चाहिए। ये वोल्टेज आने के बाद हमारा पिक्चर पे जो पिक्चर मुड़ गया था ऊपर साइड का पिक्चर, और कुछ लाइन आ गया था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है देखिए। और ये जो हमारा कुछ लाइन दिख रहा है ये वाला हमारा कैमरे का वजह से हो रहा है, नहीं तो ये वाला प्रॉब्लम पूरी तरह से क्लियरली हमारा पिक्चर सॉल्व हो चुका है। और दोस्तों एक बात बता दूँ, हमारा वर्टिकल सेक्शन का जो जो प्रॉब्लम होता है, एक तो हमारा ये वाला वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम था, इसीलिए ऊपर साइड का पिक्चर नहीं आ रहा था। उसके बाद जो सेंस का मैं बता रहा था, सेंस आता है हमारा जो दो जम्पर दिख रहा है, कॉयल दिख रहा है, इस पर जो दो PF लगाया हुआ है, इस पर हमारा वर्टिकल सेंस भेजता है हमारा वर्टिकल IC को। वो वाला पॉइंट पे मैं वोल्टेज चेक करूंगा, ये देखिए 0.6, इस पे भी मिलेगा 0.6, 0.7, 0.6, मतलब ये भी सही आ रहा है, इसीलिए ही तो हमारा पिक्चर सही है। जो भी हो दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम हमारा नीचे साइड का पिक्चर सही था, नीचे वाला जो पिक्चर था आधा पिक्चर हमारा नीचे वाला सही था, ऊपर साइड का पिक्चर मुड़ के शॉर्ट हो गया था और कुछ लाइन आ गया था, वो वाला प्रॉब्लम
मैंने जब चेक किया तो हमारा वर्टिकल सेक्शन का वर्टिकल आईसी जो लगाया हुआ था उस पे जो प्लस वाला वोल्टेज एक पे तो आ रहा था, लेकिन दूसरे पे जो सीरीज किया गया था उस पे वोल्टेज नहीं पहुंचने के कारण ही हमारा ये वाला वर्टिकल आईसी काम नहीं कर रहा था और हमारा सही तरीके से पिक्चर नहीं आ रहा था। जब मैंने क्या किया, ये वाला डायोड को ओपन किया, ओपन करने के बाद नया वाला एक डायोड लगा लिया, इस पे वोल्टेज दे दिया तो हमारा पिक्चर जो प्रॉब्लम था मुड़ गया था पिक्चर और कुछ लाइन आ गया था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के दोस्तों गुड बाय।